व्हाट्सएप एवरी वन, आई होप सब सारे अच्छे होंगे। वेलकम फॉर अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है फंटेस्टिंग, जो की है साथ में मुनु भाई मुनु सिंगर जी और रितेश ब्लॉग, तो जो कि सो रहे हैं, और साथ में भैया आपका शुभ नाम। हेलो गाइस, मैं हूँ संजय और मैं आज आया हूँ भाई के ब्लॉग में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और बताइए आप कहाँ से कहाँ तक के जा रहे हैं? तो अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं हम छिंदवाड़ा से इटारसी के लिए। हाँ। और हमें भाई लोग मिल गए हैं यहाँ पे और भाई लोग जा रहे हैं आज दिल्ली। हाँ। इनका कुछ कैमरे का कुछ काम है शायद, इशू कैमरे का इशू है। हाँ। उसका शॉर्ट आउट करवाने जा रहे हैं और भैया के साथ है एक और भैया जो कि ऊपर है, आनंद ले रहे हैं जिंदगी के। बोले सोचते हुए भाई साहब मेरी अकेली की फोटो लो, ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं साथ। क्यों रहते थे? नो एक्स नो नेक्स्ट। मोनू भाई साहब है जो कि कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं ना। मोनू भाई आगे ना बहुत पछता रहे ऐसा लगता है। भाई साहब का एक और यूट्यूब चैनल है, मेरा भी एक चैनल है ये संजय हिंदुस्तानी के नाम से। अभी जाए और मेरे वीडियो वॉच करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कर देना यार सपोर्ट, क्योंकि सबको जरूरी होता है ना। जैसे कि ये ट्रेन जिस पर मैं बैठा हूँ इंजन के सपोर्ट से नहीं चलने वाली, तो इसी ये प्रकार से ट्रेन है ना, मैंने इनको गिफ्ट किया हूँ। हाँ। मेरे को गिफ्ट ये मोनू भाई साहब इधर बैठे हैं, तो ड्राइवर मैं ही हूँ और मैं चलाने वाला हूँ इसको। ये अभी थोड़ा सा सोलू फिर चलाऊंगा भाई, चला रहा फिर भाई ये डिब्बे विकलांग है लेकिन यहाँ कोई विकलांग नहीं है। भाई ने अभी अभी जस्ट परचेस किए हैं, खरीदे हैं इसको मर्सिडीज बेंज, वो क्या है थोड़ी सी छोटी आ गई तो उसको चेंज करवाने जा रहे हैं, शोरूम जा रहे हैं। मोनू भाई को बोल दिए थे तो अभी वो ट्रेन को छोड़ के अभी इसकी रखवाली कर रहे हैं, ड्राइवर लोग ने भगा दिए। बेकार से बैठेंगे ना अपन ट्रेन में, मैं उसके 7.5 रुपए पेमेंट काटूंगा। ठीक है ना, काट देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो मोनू भाई तुम्हारी ट्रेन चली है ना? चाहते तो हम लोग हो रहे हैं भाई गुड नाइट, सुबह मिलते हैं इटारसी में। हम जाने वाले थे बाइक में दिल्ली, लेकिन क्या हुआ मोनू भाई ने बाइक को पंचर कर दिया, रिंग भेज दिए, तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। बहुत अफसोस वाली जिंदगी। नेक्स्ट टाइम पुलिस ने लाइसेंस जब्त कर ली, नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे भाई दिल्ली। वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन क्या हुआ मोनू भाई ने हमारे साथ हरकत कर दी, तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अभी वो ट्रेन भी ऑटो पायलट पे डाल दी है और इधर बैठ गए आके, बोले मैं चला रहा हूँ, बोले तो भगवान भरोसे बैठे हैं, अभी देखते हैं कब पहुँचेंगे। तो गाइस दूसरे दिन का हो गया है सुबह और 11 बज रहे थे और देखो हमारी कुत्ते जैसी हालत हो गई थी। मोनू भाई दब गए थे और रितेश भाई, और पूरी ट्रेन एकदम खचाखच भरी थी जो कि मन कुछ भी नहीं लग रहा था, मैं तो पूरा दब गया। तो गाइस दूसरे दिन 24 घंटे हो गए थे हमको ट्रेन में बैठे बैठे। मोनू भाई को देख लो एक बार और मेरी भी शक्ल देख लो, ये रितेश भाई क्या बोल रहे हैं। बाकी तो यार ट्रेन में इतनी खचाखच भरी थी कि कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा था यार, 24 घंटे हो गए लगातार बैठे बैठे सफर में, एकदम देखो बाबा जैसा दिख रहा हूँ। और रितेश भाई भी सोचते हुए बोल रहे हैं भाई साहब क्या ही चल रहा है मेरी जिंदगी में, वो बहुत परेशान हुए क्या हो रहा है वो उधर। मोनू भाई अलग नहीं मान रहे, नेटवर्क नहीं है फिर भी कान में मोबाइल चिपकाए जा रहे, हे भगवान। तो गाइस 9 बज के हो गए 40 मिनट दूसरे दिन का। हम लोग कितने 23 तारीख को बैठे थे रात में 11 बजे, तो 24 तारीख को रात के 9 बजे हम लोग उतर रहे हैं। भाई बहुत गलत सीन है, अब भी ट्रेन जस्ट आई है और उतरे हैं और अब चल रहे हैं बाहर, क्योंकि हम लोग ने कुछ नहीं खाया है भाई सुबह से, बस जो रोटी वगैरह लेके आए थे वही खाए पिए हैं और जस्ट अभी उतरे हैं। हालत कुछ ऐसी है कि मुंह में पानी तक के नहीं लगा है, तो अब जा रहे हैं जल्दी से बाहर, कुछ कुछ खाएंगे पियेंगे फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस तीसरा दिन लग चुका है, हम लोग फ्रेश व्रेश होके और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और साथ में रितेश भाई और मोनू भाई भी पीछे हैं, दिख रहा होगा आपको पीछे। और ये है दिल्ली स्टेशन और ये है पार्किंग वगैरह। अब जा रहे हैं हम लोग जिस काम से आए थे वो काम करते हैं, क्या काम के लिए आए थे हम आपको आगे बताते हैं, तो वीडियो कंटिन्यू वॉच करना, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तेरी बातों ने सा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, ये मूवी आ गई है देख लेना आगे। फिर हुआ मेट्रो में हमारा आगमन, तो लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम है कोई एलियन, क्योंकि पीला गमछा डाले लोग, बोले यार ये क्या सीन है यार, गलत बंदे लोग आ गए। वो अंकल ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं चाटी अच्छे से कि अब क्या ही बोल दूँ यार, मन में तो बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मैं चुप रहना चाहता हूँ। तो तीसरे दिन हम आ गए हैं चोर बाज़ार, जिसमें कि वहाँ पे 5,000 में लैपटॉप और 2,000 में मोबाइल्स और पता नहीं लंद फंद बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सस्ते सस्ते मिल रही थी। सब लोग ऐसे टूट पड़ गए थे, संडे का दिन था और वो
अरे सब चीज है, क्या नहीं है, चार्ज होता है, चार्ज तो लेना पड़ेगा भैया, कुछ उसमें कुछ आवाज ही नहीं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कौन सी मस्जिद पर, ये हमारे जामा मस्जिद। इधर देखो कितनी भीड़ है, और इधर देखो गाइस ये राम मस्जिद, बहुत भीड़ है यार। और इन लोग अभी ले रहे हैं चश्मा वगैरह। आगे का सीन आगे दिखाता हूँ, बहुत कुत्ते जैसी हालत हो गई हमारी, इफ यू डोंट माइंड। ये देखो इतने भाई ब्लॉग में आ जाओ तुम, हमने काट लेना फिर मोनू जल्दी है, मोबाइल बंद होने वाला है ना जल्दी। तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद, और हम यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे भाई आगे, ये लो रितेश पकड़ फट से मैं भी। तो गाइस मैं आ गया हूँ जामा मस्जिद, देख सकते हो मेरे पीछे कितना बड़ा है यार, बहुत विशाल, और ये इतने सारे चीज़ें तो मुंह उड़ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, बस 4% बंद हो जाएगा, सेल्फी ले लेते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पे हमको मिल गया खाना 20 रुपये प्लेट में, ये दिल्ली किला के पास, लाल किला के पास, पूड़ी सब्जी रोटी खा रहे। मनु भाई कैसा लग रहा खाना, ठीक है गाइस खाना खा लेते हैं भाई, ले लिया ये लड़की वाला पैंट और अब डाउट और उसके क्यों लड़की वाला पैंट तो नहीं है ये लेने के बाद, लड़की वाला। हमने फिर एक रूम लिया है जो कि ये था जैन धर्मशाला, ये है दिल्ली किला के जस्ट सामने। तो गाइस हो गई है सुबह और हम निकल गए हैं अपने मतलब जिस काम से आए थे उसके लिए, सुबह के बज रहे हैं 10, और साथ में मोनू भाई तो एकदम, मोनू भाई का दोस्त जो कि वो बैठा है, और मोनू भाई वो दोनों मैचिंग। रितेश भाई क्या बोलना चाहोगे लड़की वाला पेंट के लिए? कोई नहीं। तो अब चलते हैं भाई सहर करते हैं शहर की, और ये था जैन धर्मशाला है जो कि हमें 200 रुपये एक व्यक्ति के लगे, तो ऑलमोस्ट 600 रुपये 3 लोग के लिए। तो अब चलते हैं दिल्ली का लाल किला दिखाता हूँ मैं आपको, तो आई होप वीडियो पे बने हैं आप, लास्ट तक के बने रहे तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। चलिए अब मैं मेन मार्केट में लेके चलता हूँ कैमरा को। गाइस ये है चांदनी चौक टू चाइना, और ये इधर है दिल्ली का लाल किला जो कि हम वहाँ जा रहे हैं, रील्स वील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और ये है दोनों मोनू भाई रितेश भाई, और ये मैं। संडे के दिन ना मार्केट बंद रहता चांदनी चौक, और क्या बोलते हैं बाकी तो ऑल टाइम खुला ही रहता, लेकिन यहाँ की मार्केट ना 12 बजे तक के खुलती है, और अभी हम निकल ही गए हैं, ये जस्ट हमारे सामने ही है लाल किला। तो चलते रहिए दिखाता हूँ, और जिस काम से आए थे कैमरा तो अभी रिपेयर हुआ नहीं, कल संडे था, कल दुकान बंद हो गई थी, तो अब आज हो जाएगा, बात हो गई है दुकान वाले भैया से। ये देखो मंदिर वाले इधर है सदगुरु, क्या है यार पता नहीं कुछ है लेकिन है। तो ये इधर देखो यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलती है तांगे, ये ज़्यादातर चांदनी चौक की सवारी हर गाड़ी पे लिखा रहता है ऐसा। तो ये गाइस पूरी कैमरा की शॉप ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे आए, ये है पूरी कैमरा की शॉप, वो काम आगे। इधर गाइस सारी कैमरे की दुकान है, और कैमरे इतने रिजनेबल प्राइस में है ना कि क्या बताऊं, मेरा तो मन था कि इकट्ठे 10 कैमरे खरीद लूं, लेकिन क्या बताऊं उतने पैसे भी तो नहीं थे, कम से कम ना यहाँ पे 30,000 से स्टार्ट हो जाते हैं कैमरे, 30,000 से लेके फिर आप जितना 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक के जितने भी आप कैमरे ले सकते हो, लेकिन अच्छी प्लेस है जो कि चांदनी चौक पे है। और क्या बोलते कैमरा, एक कैमरा हमें बेचना था तो एक कैमरा हमने बेच दिए, और जो कैमरा को ठीक कराना था वो कैमरा ठीक हुआ या नहीं हुआ उसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे तो उतना पता नहीं, फिर मैं आगे बढ़ गया था। भाई मोनू भाई सेटिंग से भिड़े होंगे, मेरे को इतना तो पता है। ये है ईरान, ये उचाको चक के भगती है, देखो इसको भगा रहा हूँ अभी मैं, ऐसा भगता है। चाचा कितने का दिए? 30 रुपए। एक मिनट और भगा दो, तुम बना ना मैं भगा रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है। अरे वाह
मजा आ गया मजा। ओके चाचा ठीक है भाई, आप क्या ही बोल रहे हैं, मजे लेते रहो जिंदगी के। चलो भाई, तो भाई अब हम लोग चल रहे हैं आगे की और मेट्रो स्टेशन, और देखते चले आगे आगे होता है क्या, हमें भी नहीं पता होता है क्या। अब हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट, और जिस काम से आए थे वो तो ऑलमोस्ट एक हुआ एक नहीं हुआ, तो इसलिए रितेश भाई परेशान है भाई, दिमाग खराब हो गया। और अब चलते हैं आगे, देखो मेट्रो, देखो मेट्रो जो, चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ इंडिया गेट, तो मैं देखना है ना, मेरे को पता है तो मैं देखना है यार, तुम पूरी वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि मैं कुछ दिखाऊंगा। चलो ठीक है दिखा देता हूँ एक झलक, क्या पानी है चूतिया बनाया। चलो ठीक है पास में लेके चलता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको, वेट फॉर वॉच यार, साथ में रितेश और उधर है नोनू भाई, नोनू भाई खड़े होके पता नहीं किसका वीडियो ले रहे हैं। तो यहाँ पे गणना प्रणाली चल रही है, और ये और सामने है मेरे जस्ट इंडिया गेट, तो मैं दिखाऊं, देखो अब आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया गेट। आप सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रहा है, ये यहाँ की खूबसूरती दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो सामने। अब मैं चलता हूँ पास में लेके उसको, है ना, आपने तो पुस्तक किताब में ही देखा होगा। ये आ रहे मोनू भाई, ये रितेश भाई, हेलो भाई, ये एक मिनट टैग भी दिखाता हूँ। ओ नो, ये हूँ मैं, अब चल रहे हैं उधर सामने जो गाइस। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया गेट जो कि मेरे जस्ट आंखों के सामने। आर यू एक्साइटेड, मैं हूँ भाई छिंदवाड़ा के एमपी। अच्छा, आप भी छिंदवाड़ा से भाई? हाँ भाई, एमपी 28 से हम छोटे से गांव से रहने वाले आ गए हैं दिल्ली, लाल किला। ये देखो, ओह दिल्ली यार, इंडिया गेट, सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी। तो गाइस हमको मिल गए यहाँ मोदी जी खड़े हुए, देख लो मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रहे भैया जी। मोनू मंडल, ये रानू मंडल का भाई मोनू मंडल, ये आ गए इंडिया गेट भाई। ये देखो इंडिया गेट आ गए हैं फाइनली, अंग्रेज लोग फोटो में जा रहे हैं, ये सारे अंग्रेज लोग। 128 GB में देखना है, उसमें है न्यू सिलेक्टेड भाई, न्यू सिलेक्ट फोटो वाले देखना, उसमें से उसमें देख दिखवा उनको फोटो। हेलो, ये भाई गेट ऑफ गेट इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट भाई, बहुत लोग क्रिएटर लोग दिखते हैं यहाँ पे, बहुत से क्रिएटर लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं। ये हमने जय आदिवासी भाई लोग भी आए यहाँ पे, गुणवाना क्लब पार्टी छिंदवाड़ा से। देखो भाई ठीक है जाओ, तो गाइज हो गया, घूम लिए, वीडियो वीडियो बना लिए, रील्स वील्स बना लिए, और देखो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग आए हैं उनका झंडा लेके, वो इंडिया गेट आए हैं उन लोग। बहुत बहुत दूर से बहुत बहुत लोग आते हैं, अच्छा है यहाँ पे देखना आप, और उधर सामने पता नहीं क्या है पर अच्छा है। तो आई होप मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, क्योंकि हमें जाना है अब रेलवे स्टेशन और वहाँ से बैठना है ट्रेन के लिए, फिर हम जा रहे हैं भोपाल, भोपाल से ट्रेन चेंज करके सीधे अपने घर, बाय।